हेलो फ्रेंड्स, मेरे जंकी बंकी नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन अच्छा है या एंड्रॉयड फ़ोन, और एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो एप्पल में नहीं है, जो एप्पल जो नहीं कर सकता वो एंड्रॉयड कर सकता है, वो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ द ऐप्स यू वॉन्ट, नॉट द ऐप्स गूगल वॉन्ट्स यू टू यूज़। मतलब आप जो ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं वो आप खुद की मर्ज़ी से यूज़ करें, ना कि गूगल की मर्ज़ी से। आईफोन में एक डिफ़ॉल्ट ईमेल के रूप में एक जीमेल सेट करने का ऑप्शन है, और आपको जानते हैं कि एंड्रॉयड में जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं या क्रोम या फायरफॉक्स, आप वो डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। अगर आप आपका डिफ़ॉल्टर क्रोम है तो आप उसको चेंज कर फायरफॉक्स भी कर सकते हैं, और आप जो भी ब्राउज़र डाउनलोड करें उसको भी आप डिफ़ॉल्ट कर सेट कर सकते हैं। मगर आईफोन में ऐसी सेटिंग नहीं है, इसलिए आईफोन यूजर्स को जो उस कंपनी के तरफ से जो ऐप्स है वही उनको यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड है गूगल असिस्टेंट फॉर द विन। जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके पास सिरी, और जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके पास गूगल असिस्टेंट होता है। और ये गूगल असिस्टेंट एप्पल के सीरीज से बहुत अच्छा टूल है, और ये जो गूगल असिस्टेंट है वो हमें जो डेटा देता है वो गूगल की तरफ से डेटा देता है। आपने देखा होगा कि किसी ऐड में या किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी टीवी में ऐड देखते समय आपको देखा होगा कि क्लैप करने से लाइट बंद होती है और मोबाइल से टीवी ऑपरेट होता है, ऐसे फंक्शन आपने देखे होंगे। मगर वो जो फंक्शन होते वो गूगल असिस्टेंट पर चलती है। ये जो एंड्रॉयड कर सकता है वो एप्पल का सीरी नहीं कर सकता। और अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो हम गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं कि हे गूगल या ओके गूगल नाम से पुकारते हैं, तो हमें उसकी तरफ से जवाब आता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो इसी तरह से हमें सिंपली सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें बोलने से ही वो हमें इंफॉर्मेशन आपके सामने खड़ा कर देता है। इस तरह के फंक्शंस आईफोन में नहीं है। थर्ड है यूज टू ऐप्स एट वंस थ्रू स्प्लिट स्क्रीन मोड। इसमें आप एक ही समय दो दो काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई मूवी देखना हो या मूवी देखते देखते समय किसी के साथ चैटिंग करना हो तो एक ही समय दो दो काम कर सकते हो। या आप ऊपर देख सकते हो कि मूवी देखते देखते समय आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, एक साथ मूवी और पढ़ाई का मज़ा एक साथ ले सकते हो। मगर ये जो फीचर्स एंड्रॉयड में है ये फीचर्स एप्पल में नहीं है, यही एंड्रॉयड की खासियत है। और एंड्रॉयड में जो स्प्लिट स्क्रीन मोड का जो ऑप्शन है वो 2016 में जब 7.0 नोकट वर्जन आया था एंड्रॉयड में, तब से लेकर आज तक सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ है कस्टमाइज योर होम स्क्रीन जस्ट हाउ यू लाइक इट। मतलब हमें जब भी कोई भी ऐप की ज़रूरत होगी, हाँ हम ज़्यादातर व्हाट्सअप यूट्यूब ये यूज़ करते हैं, तो हम बार बार ऐप्स के अंदर जाकर, मतलब हमारे ऐप्स जहाँ होते हैं वहाँ जाकर हम बार बार नहीं ढूंढते, उन्हें हम होम स्क्रीन पर लाते हैं और वहीं से हम ऑपरेट करते हैं, और हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मगर आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में व्हाट्सअप यूट्यूब जहाँ उसकी पोजीशन है वहाँ जाकर हमें ढूंढना पड़ता है, और वहाँ से जाकर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। आईफोन में कस्टमाइज होम स्क्रीन का ऑप्शन नहीं होता, यही आईफोन और एंड्रॉयड का डिफरेंस है। फिफ्थ है यू कैन यूज़ लॉन्चर टू फुल्ली कस्टमाइज योर फ़ोन। मतलब एंड्रॉयड में आप लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपकी फ़ोन की जो फीचर्स है उसको कस्टमाइज करके आप उसकी थीम्स वो चेंज कर सकते हैं। मगर आईफोन में ऐसा नहीं है, आईफोन की जो लॉन्चर है कंपनी की तरफ से वही यूज़ करना पड़ता है। एंड्रॉयड में आप मनपसंद के लॉन्चर डाउनलोड करके आपको मनपसंद के थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आईफोन में ऐसा नहीं है। फिफ्थ है नेवर गेट बोर्ड थैंक्स टू ऑटोमेटिकली चेंजिंग वॉलपेपर। मतलब एंड्रॉयड में आप टाइम सिलेक्ट करके फ़ोटोज़ चेंज कर सकते हो, मगर एप्पल में ऐसा नहीं होता। आप एंड्रॉयड में आपकी मनपसंद की फ़ोटोज़ लगा सकते हो और उसको 5-5 सेकंड में चेंज कर सकते हो, ऐसी सेटिंग एंड्रॉयड में आती है। मगर आईफोन में ऐसी सेटिंग नहीं है, वो उसमें जो वॉलपेपर कंपनी की तरफ से दिया है वही लगा सकते हैं, और उसमें बार बार चेंज करने की सेटिंग भी नहीं है जो एंड्रॉयड में है। अब ए लास्ट और सेवेंथ पॉइंट है वॉच अ वीडियो एंड टेक्स्ट एट अ सेम टाइम। जब 2017 में एंड्रॉयड ओरियो लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज तक सभी यूजर्स ये फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आप एक ही समय में दो काम कर सकते हैं। वो जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है वो इससे अलग है, और ये अलग है और वो भी अलग है।
ये फीचर्स थोड़ा बहुत अच्छा है। जब आप मूवी देख रहे हैं या किसी मूवी देखते समय किसी का मैसेज आया तो मैसेज भी देखना है और मूवी भी देखनी है, तो ऐसे समय ये ऑप्शन एंड्रॉयड फीचर में जो है वो बहुत अच्छा है। एक ही बहुत समय में आप दो दो काम कर सकते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि एक ही समय में दो दो काम कैसे कर सकते हैं और आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप एंड्रॉयड में एक ही टाइम में दो दो काम कर सकते हैं, मगर आईफोन में ऐसा नहीं कर सकते। आईफोन में एक ही टाइम में दो काम नहीं कर सकते, वहाँ अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये 7 चीज़ें थे जो एंड्रॉयड में है और आईफोन में नहीं है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर भेजना, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।